अजय जी, यहीं से बात करें अगर वीट की, तो हाल ही में सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब आपको क्या लगता है, ये जो बातें कही जा रही हैं कि मंडियों में वीट की जो अराइवल्स हैं अब वो कम हो गई हैं, दूसरा जो किसान है उसको स्टॉक कर रहे हैं, अजय जी देखने वाली बात ये भी है कि किसानों ने अपना ज़्यादातर जो स्टॉक है वो पहले से ही एक्सपोर्टर्स और व्यापारियों को बेच दिया है, तो अब क्या संभावनाएं हैं वीट के अंदर? देखिए, वीट में मेरे को कोई अंदर से कोई मंदी दिखती नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट के जो एक्शन थे वो इनलाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। आप देखिए, ग्लोबल में सभी कंट्रीज, श्रीलंका के केसेस के बाद हमने देखा प्रिकॉशनरी सभी स्टेप्स ले रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को कम करता है, उसी के तहत गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। लेकिन आप ये देखिए, ये स्टेप की वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस में बड़ा शूटअप हुआ है। टाइमिंग जो रहा है जगह पे, उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक देगा। लेकिन अभी भी आप ये इस बार एक चीज और ध्यान रखिए, देखिए हमारा प्रोडक्शन कम, ग्लोबल मार्केट की बात करो, प्रोडक्शन की कमी नहीं है, बट लड़ाई के चलते जो सप्लाई डिस्टर्बेंस है बिकॉज ऑफ दैट प्राइसेस में जंप है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सीवियर बड़ा फॉल होगा या सीवियर जंप होगा। 2100-2150 के नीचे नहीं जाएगा, 2550 से 2600 के ऊपर भी नहीं जाएगा, मार्केट दायरे में रहेगा, बट कोई फ्री फॉल या कोई फ्री बड़ा जंप दोनों ही नहीं होने वाला है। काउंटर थोड़ा स्लगिश हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन आगे चालू हो चुके हैं, तो आई थिंक उसका अगेंस्ट को जाकर कोई मतलब नहीं है, तो मार्केट साइड में रहेगा। इसमें कोई ऐसा बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी या मंदी नहीं दिख रही है मुझे। अजय जी, वीट में अगर रशिया और यूक्रेन की बात करें, तो रशिया और यूक्रेन दोनों ही वर्ल्ड की 1/3 वीट की सप्लाई की पूर्ति करते हैं, और अभी उन दोनों देशों के बीच में जंग जारी है, तो अगर ब्लैक सी से जो आवाजाही है शिपमेंट्स की वो चालू होती है, तो कितना डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वीट के अंदर? देखिए, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है जी। जो ब्लैक सी एरिया से जो शिपमेंट्स रुके हुए हैं उसकी वजह से ये फॉल है। नो डाउट, कल भी हमने कुछ देखा है कि जो ब्लूमबर्ग के हवाले से कुछ रिपोर्ट आ रही है कि मार्च में जहाँ यहाँ पे युद्ध चल रहा था, मई में उसके मुकाबले काफी एरिया में रह चुका है, मतलब कगार पे है कि खत्म हो जाए। तो हम उम्मीद करते हैं अगले 4-5 दिन में अगर ये खत्म हो जाता है और जून से चीजें इंप्रूव होती है तो सप्लाई क्विकली रिस्टोर होना चालू हो जाएगी। ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन का डर सभी को बना हुआ, जिसकी वजह से रिसेशन का भी डर बन गया है। जी। अगर ये सप्लाई रिस्टोर होती है, इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 मंथ, मतलब 1-1.5 महीना मिनिमम लगेगा उसमें रिस्टोर। क्योंकि अभी भी आप देखिए पोर्ट्स के ऊपर कंजेशन काफी है, चाहे हम चाइना की बात करें चाहे बाकी कोई पोर्ट्स की बात करें, तो मुझे लगता है 1-1.5 महीना मिनिमम लगेगा कि सब जगह से, चाहे हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें, चाहे हीट की बात करें या टमाटर की बात करें, यहाँ पे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है, या जुलाई मई से जुलाई आने के बीच में जो एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज है जो एक दूसरे देश में जाती है, यहाँ पे हम कुल ऑफ पार्टी में देखेंगे वो कल इसमें गिरावट। इनका पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे ना, तो मक्का टूट रहा है, सोया में थोड़ी बहुत गिरावट आना चालू हो चुकी है, गेहूं में गिरावट है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं बाकी कमोडिटीज में भी हाई लेवल से प्रेशर कंटिन्यू बन रहा है जी।